नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। जौनपुर के अलगाड़ नदी में राजशाही के जमाने से मनाए जाने वाले ऐतिहासिक मौन मेला बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्रामीण बड़ी संख्या में ढोल डमरू और रणसिंघा के साथ अगला नदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर ढोल की थाप पर नृत्य किया। इसके बाद ग्रामीणों ने नदी में टिमरू का पाउडर डालकर नदी में हजारों की संख्या में बच्चे बूढ़े जवान सभी कूद पड़े, जिसके बाद नदी में मछली पकड़ने लगे। बता दें कि जौनपुर में मौन मेला मनाने की यह अनूठी परंपरा टिहरी नरेश ने शुरू की थी। बताया जाता है कि टिहरी नरेश ने स्वयं अगला नदी में आकर मौन डाला था, जिसके बाद तब से अब तक मौन ग्रामीण हर साल इस मेले में डालते हैं और बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। वहीं सुरेंद्रनगर पैरोल फर्लो स्क्वाड ने टैंकर से डीजल निकालते दो लोगों को पकड़ा। पेट्रोल डीजल टैंकर से पेट्रोल डीजल निकालने की गतिविधि की सूचना के आधार पर सायला चोटिला ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वक्तपुर गांव के पास स्थित राधे होटल पर छापा मारा। पेरोल फर्लो स्क्वाड ने उन्होंने टैंकर के सील को तोड़ दिया और 40 लीटर डीजल चोरी करने वाले संदिग्ध लोगों को पकड़ा। एक टैंकर की कीमत 15 लाख, दो मोबाइल, प्लास्टिक के बैरल सहित नली और डोरियां जिनकी कुल कीमत 34,16,414 रुपये है, इसके साथ ही दो आरोपियों को सायला पुलिस के हवाले किया गया। सायला पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं भाटिया स्टेशन रोड पर एक एसी फ्रिज रिपेयरिंग की दुकान में आग लग गई। स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में रखे एसी फ्रिज जलकर राख हो गए। आग से दुकानदार को लाखों रुपए की क्षति होने का अनुमान है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं गिर सोमनाथ जिले में बारिश, वैरावाला, तलाला और सूत्रापाड़ा सहित ग्रामीण इलाकों में मध्यम बारिश हुई। गिर सोमनाथ जिले के दरिया पट्टी के सभी गाँव में मध्यम बारिश हुई। वहीं बारिश का पानी प्रस्थावनवाड़ा गांव तक पहुंच गया। कहा जा रहा है कि भारी बारिश होने पर किसानों द्वारा खेतों में लगाई गई मूंगफली, सोयाबीन, कपास की फसलों को फायदा होगा। सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण का मामला तुल पकड़ चुका है। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सर्व सेवा संघ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, संत विनोबा भावे समेत तमाम लोगों की विरासत है। सर्व सेवा संघ और उत्तर रेलवे के बीच जमीन के मलिकाना हक पर चल रहे विवाद में सुनवाई के जिलाधिकारी वाराणसी ने उत्तर रेलवे के हक में फैसला दिया था। सर्व सेवा संघ भवन को उत्तर रेलवे ने 30 जून 2023 को ध्वस्त करने का विरोध किया था। आज JNU DU के छात्रों और प्रोफेसरों समेत रिटायर्ड साहित्यकार और गांधी वाचक विचारक विरोध दर्ज करने वाराणसी पहुंचे। गांधीवादी विचारधारा से जुड़े सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर इसमें हिस्सा लिया। मेरा नाम राम धीरज है। मैं सर्व सेवा संघ से JP आंदोलन से पिछले 50 सालों से जुड़ा हुआ हूं। मैंने अपना पूरा जीवन इसी काम में लगाया है। मैं लोकतंत्र सेनानी भी हूं और मैं गांधी विचार के प्रचार प्रसार के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगाया है और आगे भी मैं इस काम को करता रहूँगा। अगर जीवित रहूँगा तो इस काम को मैं करता रहूँगा। हाई कोर्ट में रिट है। हाई कोर्ट ने कल जो स्टेट के काउंसिल और जो केंद्र सरकार के रेलवे के काउंसिल हैं उनको बुला के कहा है कि आप कल किसी तरह की 30 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं करेंगे। वहीं उन्नाव में खिलौना खेलने की उम्र में नोटों की गड्डियों से बच्चे खेल रहे हैं। नोटों की गड्डियों से खेलते बच्चों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल फोटो में जिले के थाने में तैनात थानेदार के बच्चे ये बताए जा रहे हैं। वायरल फोटो में करीब 14 लाख रुपए के साथ बच्चे खेलते दिख रहे हैं। पिछले 2 सालों में एक ही थाने में तैनात थानेदार ऊपर तक अपनी पकड़ मजबूत रखता है। जिले के थाना बेहटा मुजवारा थाने में तैनात रमेश साहनी के बच्चों की नोटों की गड्डियों के साथ खेलते हुए फोटो जमकर वायरल हो रही है। वहीं फिरोजाबाद में एक ट्रेन की चपेट में आकर एक भट्टा मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची GRP ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना जिला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन की है।
वहीं कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंद नगर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग की लपटे में घिरे सिलेंडर को जलता देख लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सिलेंडर फटने से बड़ी घटना हो सकती थी। कहा जा रहा है कि रेगुलेटर लीकेज होने से सिलेंडर में आग लग गई। घर में मौजूद लोगों ने सिलेंडर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक आग ने सिलेंडर को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था। मोहल्ले के लोगों ने पानी और बोरा डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को उसके भाई ने पढ़ाई करने से मना कर दिया, जिससे नाराज किशोरी पुलिस के पास पहुंची और पूरे मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की जाने की मांग की। पुलिस ने मामले को समझते हुए पूरे परिवार को बुलाकर समझाया, जिसके बाद परिजन किशोरी की पढ़ाई को तैयार हुए। किशोरी कक्षा 9 की छात्रा है और इस अगले साल बोर्ड की परीक्षा में बैठेगी। सर, एक बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है थाने से, क्या है पूरा? ये जनपद में थाना शाहबाद में एक कक्षा 9 में पढ़ने वाली बालिका, अब उसने थाने में आकर शिकायत की कि उसके परिजन, खासतौर से उसका भाई, उसको आगे पढ़ाई नहीं करने दे रहे हैं और उस बच्ची की पढ़ने के प्रति जो उसकी लालसा थी और जो दृढ़ इच्छा थी उसको देखते हुए पुलिस द्वारा, इंस्पेक्टर शाहबाद द्वारा एक मानवीय रूप अपनाया गया। वहीं हरदोई में नदी में डूबकर बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। रामगंगा नदी में स्नान करने गए बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई। बुजुर्ग किसान का शव घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर बरामद हुआ है। गोताखोरों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद किया। घटना अरवल थाना क्षेत्र के सिवाला पुरवा गांव की है। मेरा दवा है, देखने गए पाले थे, सोची नहाले, नहाने चले गए, नहाने में काम फिसल गया, वहाँ डूब गए। फिर हम लोग वहाँ खोज की तो कपड़ा मिले किनारे, फिर हम लोग ढूंढते रहे फिर नहीं मिले, फिर आज सुबह 5:30 बजे करीब मिट्टी मिली। अगली खबर बांदा के बबरुआ कस्बे के अंबेडकर नगर की है, जहां का रहने वाला धनराज वर्मा बीती रात घर पर सो रहा था। तभी रात अचानक तेज बारिश के चलते कच्ची दीवार भरभराकर गिर गई, जिसमें दीवार के मलबे पर धनराज दब गया। जैसे ही दीवार गिरने की आवाज पड़ोस के लोगों ने सुनी, तुरंत मलबे से निकालकर धनराज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस के द्वारा पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। मौरानीपुर नगर अवैध कारोबार में बुंदेलखंड का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। अगर किसी को नंबर 2 से पैसा कमाना हो तो मौरानीपुर से अच्छा कोई स्थान नहीं है। यहाँ सिस्टम में आना हो या शासन सत्ता का संरक्षण चाहिए हो तो दोनों सिस्टम यहाँ आसानी से बन जाते हैं। और आदमी 2 जोड़ी कपड़े और कुछ पूंजी लेकर आ जाए, फिर बस क्या, लग्जरी कार और पैसे का मालिक जल्द ही बन जाता है। चाहे नकली घी तेल हो या नकली मावा, नकली मिठाइयाँ हो या फिर मोबिल ऑयल, कोई भी सामान, इससे बड़े पैमाने पर अवैध धंधा चल रहा है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी छापा मारने की सोचता है कहीं छापे के लिए, तो जो उसके सहयोगी जो सिस्टम में है वो छापेमारी करने आते हैं, तो जिसके यहाँ छापामारी होता है उसे पहले ही खबर कर दी जाती है और फिर छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई कर वाहवाही लूट ली जाती है। ऐसी ही एक कार्रवाई मऊरानीपुर में हुई। जानकारी के अनुसार बड़ी कंपनियों के हेवल्स, प्रेस्टीज, उषा, बजाज जैसी बड़ी कंपनियों के नकली स्टिकर लगाकर मऊरानीपुर के 3 दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 10 लाख का नकली सामान बरामद किया है, जिसमें स्टेबलाइजर, केटल, मिक्सर, फैन सहित कई चीजें बरामद हुई हैं। कंपनियों के कानूनी सलाहकार और पुलिस की मदद से इस कार्रवाई को किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात में भारी बारिश की भविष्यवाणी के साथ जिले में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई। जिले के मोडासा, धनसोरा, बैद तालुका में सुबह से ही बारिश का मौसम देखने को मिल रहा। मालपुरा में लगातार दूसरे दिन भी भारी बारिश हुई। आधे घंटे में मालपुरा में 1.5 इंच बारिश हुई और कस्बे की मुख्य सड़कें और दुकान बारिश के पानी से भर गई। सिटी समेत मोडासा के विभिन्न इलाकों में बारिश देखने को मिला। असहनीय गर्मी के बाद बारिश से वातावरण में ठंडक फैल गई, तो बारिश का तूफानी रूप धनसुरा में भी देखने को मिला। धनसुरा में भारी बारिश के कारण मुख्य बाजार और मोडासा
नाडियाद हाईवे पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बोलो मारू नाम वनराज भाई पंचाल छे, हूँ गाम मालपुर गाम नो रहवासी छू। हमारे लगभग आ पानी ने दुकान में पानी भराई ने घणु नुकसान थाय छे ने आज ते वाली दुकान बिल्कुल बंद राखवामां आवी छे। अने आ सहजानंद कॉम्प्लेक्स में धाया पछी अमारो आ पानी नो निकाल कोई थतो नथी, अमे बधी दुकानों में पानी भराय छे। वहीं सहारनपुर में भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण को जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिला अस्पताल से चंद्रशेखर को भारी फोर्स के साथ घर के लिए भेजा गया। साथ ही भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की सभी मांगों को मान लेने के आश्वासन पर धरने से भीम आर्मी कार्यकर्ता हट गए। साथ ही चेतावनी देते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी तो 3 तारीख को सहारनपुर में महापंचायत होगी। कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर को सुरक्षा और हमलावरों पर एनएसए की मांग की है। इसका आकलन खुद करें कि क्या हुआ और क्या हो सकता था। आपके पास लाठी? एक और बात थी, मुझे ऐसा लगता है कल की घटना के बाद, इतने बड़े उसके बाद भी अगर मैं सुरक्षित हूँ तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का आशीर्वाद, हमारी करोड़ों बहनों माताओं का आशीर्वाद बुजुर्गों का मेरे पास है। और मैं जो जिम्मेदारी मैं लेके मैदान में आया हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर माननीय और काशीराम साहब सदगुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा राज का सपना है, मानवता के राज का सपना है, संविधान को लव कराने का है, इन वर्गों को अधिकार देने का है, जब तक वो पूरा नहीं होगा मैं कहीं जाने वाला भी नहीं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।